अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखे हमारा आज का गुलते बेरी का पौधा। ये देखे, ये इसके ये रंग, ये फूल के ये कितने अच्छे अच्छे हैं। अच्छे है ना? ये देखे, ये वाइट पिंक येलो और ये एरोवेरा, ये जेल का पौधा है। ये और ये गुलते बेरी का, ये देखे, ये गुलते बेरी का, ये फूलों के कलर, ये पिंक व्हाइट ग्रीन येलो व्हाइट, ये देखे, ये इसका ये कलर ग्रीन है। इसमें हर किस्म का कलर है। ये देखे हमारे गुलदबेरी का पौधा, तो हम ना इसको ना थोड़ी सी लगाती तो ये ज्यादा फैल जाती, तो ना फिर ना इसके ना रंग बिरंगे ना इतने ज्यादा ना फूल उगते, तो ना फिर ना ये ना दोपहर को ना पूरा फूल बंद हो जाते हैं। खुदा हाफिज। दोपहर को नहीं बंद होते, रात को। और ये रात को बंद होते हैं। और मैं आपको आगे के पौधे दिखाता हूँ। और एक ये एरोवेला जेल, और आगे एक ये है गाइस, ये देखे कितना प्यारा है, देखें। और एक ये फूल, और एक ये है, ये और एक ये है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये है एक मिलियन लाइक जी, ये है मरवा का प्लांट, और इसकी जो खुशबू है वो बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी होती है। और ये देखिए कैसे फूलों से भरा हुआ है, और इसके जो फूल हैं वो रात में खिलते हैं, और इनकी रात को बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है। मॉर्निंग में इनकी खुशबू नहीं होती, मॉर्निंग में इनकी इनमें खुशबू ज़रूर होती है, लेकिन जब हम इसको सूंघेंगे तो खुशबू आएगी, लेकिन रात में जो इसकी खुशबू है वो पूरी छत पे पूरे घर में फैली होती है, क्योंकि रात में जो इसकी खुशबू है वो ये रात को अपनी खुशबू को बिखेरता है, लेकिन दिन में ये अपनी खुशबू बिखेरता नहीं है, वो फूलों के अंदर ही रहती है। और ये झुमके की टाइप इसके अंदर फूल लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा फूल लगते हैं गुच्छों की शक्ल में, और ये इसके ऊपर इतने खूबसूरत ये छोटे छोटे से फूल हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा खुशबू है, लेकिन इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ये सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन ये सारे फूल नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इनकी बहुत 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 ही अच्छी खुशबू होती है। आप इसको अपने घर में लगाइएगा, और ये मैंने गमले में लगाया हुआ है, और ये देखें इसके फूलों के गुच्छे कितने खूबसूरत हैं, और इनकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि एकदम से जो आपका दिल और दिमाग है ना वो खुश हो जाएंगे इनकी खुशबू। और ये इतने खूबसूरत लगते हैं लगे हुए, ये गुच्छों के गुच्छों की शक्ल में ये जो है बहुत ही ज़्यादा फूल लगते हैं, और ये देखें ये कितने खूबसूरत हैं और बहुत ही प्यारे हैं। आप इस पौधे को ज़रूर अपने घर में लगाएं, और ये गर्मियों में ही ज़्यादा इसमें फूल खिलते हैं, सर्दियों में भी खिलते हैं, लेकिन ये गर्मियों में इस पर ज़्यादा फूल खिलते हैं और गुच्छों की शक्ल में आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इनकी अच्छी खुशबू होती है जी। मरवा का पौधा है, तो आप इसको ज़रूर अपने घर में लगाइएगा, और मुझे बताइएगा फिर आपको ये मेरी कैसी वीडियो लगी। बच्चों ने वॉइस ओवर किया है, ओके, अल्लाह हाफिज़।